हमारे आसपास हमें बहुत से डिफरेंट लोग दिखाई देते हैं। आप इन डिफरेंसेस के बारे में क्या सोचते हैं? क्यों कुछ लोग हमसे डिफरेंट होते हैं? क्या डिफरेंट होने की वजह से आप उन्हें अलग तरह से ट्रीट करते हैं? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम जानेंगे दो इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जो हमें अक्सर डिस्क्रिमिनेशन की तरफ ले जाते हैं, स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस। पहले बात करते हैं स्टीरियोटाइप की। हमारे बिलीफ, ओपिनियन, थॉट प्रोसेस और आइडियोलॉजीज मिलकर हमारा एक माइंडसेट बना देते हैं और इसी माइंडसेट के साथ हम अपने आसपास की चीज़ों को प्रसीव करना शुरू कर देते हैं। पर कई बार हम सर्टेन लोगों के ग्रुप के लिए बहुत सी राय बना लेते हैं, या कह सकते हैं जब हम किसी खास ग्रुप के लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उन्हें बिना जाने जज करना शुरू कर देते हैं, तब हम किसी खास ग्रुप या इंडिविजुअल के लिए स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादी धारणाएं बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कहते हैं अफ्रीकन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, तब हम उन्हें एक रूढ़िवादी धारणा में बांध रहे हैं, क्योंकि आप इंडिकेट करते हैं कि इस रेस का हर एक व्यक्ति एक गुड एथलीट है। या जब आप कहते हैं विमेन बहुत अच्छी होममेकर तो होती हैं, पर उतनी ही बेकार ड्राइवर, तब आप विमेन की स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैन बहुत स्ट्रॉन्गर और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तब आप सिर्फ एक मैन नहीं सभी मैन को एक ही छवि में बांध चुके हैं। अब हम कह सकते हैं अ स्टीरियोटाइप इज अ फिक्स्ड आइडिया और अ बिलीफ अबाउट अ स्पेसिफिक ग्रुप, इंडिविजुअल और अ थिंग दैट इज बेस्ड ऑन प्रायर अजम्पशंस। दीज क्लासिफिकेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी रूढ़िवादी धारणाएं एक स्पेसिफिक ग्रुप या इंडिविजुअल के बारे में एक फिक्स्ड विचार या विश्वास है जो पूर्व धारणाओं पर आधारित है। अब ये धारणाएं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं। जनरली हम ये धारणाएं बुक्स, मैगजीन्स, मूवीज, टेलीविजन या जो भी हम अपनी फैमिली और फ्रेंड से सुनते हैं उनके बेसिस पर बनाते हैं। किसी ग्रुप को स्टीरियोटाइप करने का मतलब है किसी भी इंडिविजुअल की यूनिक क्वालिटी को इग्नोर करना, क्योंकि हम एक ग्रुप के सभी मेंबर्स को सेम ब्रश से पेंट कर देते हैं बिना सोचे समझे। फॉर एग्जाम्पल, मिस यूनिवर्स के इवेंट में दो फाइनलिस्ट का होना, एक मॉडल जो डार्क स्किन है और दूसरी जो फेयर स्किन है, और इस कॉन्टेस्ट में आप फेवर करते हैं फेयर स्किन गर्ल को। इवन मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट जो हाईलाइट करती है फेयर कॉम्प्लेक्शन गर्ल को, पर क्यों? क्योंकि हम एक आइडिया जनरलाइज कर चुके हैं कि फेयर स्किन इज बेटर देन डार्क स्किन, और इस तरीके से स्टीरियोटाइप हमें सही जजमेंट करने से रोक देता है और ले जाता है डिस्क्रिमिनेशन की तरफ। अब बात करते हैं प्रिजुडिस के बारे में, जिसका लिटरल मीनिंग है प्री जजिंग समवन, यानी पहले से किसी को जज कर लेना या उसके बारे में राय बना लेना। ये बेस्ड होता है हमारी प्रायर अजम्पशंस पर, जिसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। स्टीरियोटाइप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, पर प्रिजुडिस अक्सर नेगेटिव ओपिनियन होता है बिना किसी फैक्ट को जाने। इसीलिए प्रिजुडिस का मतलब है किसी को नेगेटिवली जज करना और उसे इंफीरियर समझना। हमारे ये प्रिजुडिस यानी पूर्वाग्रह किसी पर भी आधारित हो सकते हैं, जैसे लोगों के रिलीजियस बिलीफ, उनके स्किन कलर, जिस रीजन से वो आते हैं, लोग जिस तरह का एक्सेंट बोलते हैं, कपड़े पहनते हैं, इवन जेंडर के बेस पर भी। जो लोग हमसे थोड़े से भी डिफरेंट होते हैं, हम उनके लिए बहुत जजमेंटल बन जाते हैं, और अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे प्रेजुडिस इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम उन लोगों के साथ दोस्ती नहीं कर पाते हैं। इमेजिन कीजिए आप नॉर्थ इंडियन है और एक नया बच्चा जो आपकी क्लास में एंटर करता है जो साउथ इंडिया से है, उस बच्चे का स्किन कलर, एक्सेंट, इवन मैनरिज्म आपसे बहुत डिफरेंट होगा। क्या आप उस पर हंसोगे, मिमिक करोगे या उससे रूडली बात करोगे? अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक पूर्वाग्रही हो सकते हैं जिसने ऑलरेडी अपने दिमाग में साउथ इंडिया से आने वाले लोगों के लिए एक खास तरह की राय बनाई हुई है। प्रेजुडिस हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है और लोगों को डिवाइड कर देता है, जिससे डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा मिलता है। प्रेजुडिस लोगों के बीच नफरत और लोगों को अलग तरीके से ट्रीट करने का मौका देता है, तो जरूरी है इसे रोकना। स्टीरियोटाइप हो या प्रेजुडिस, समाज में दोनों ही भेदभाव को बढ़ाते हैं। आई होप आपको ये दो टर्म समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।